नमस्कार, एनबीसी न्यूज की टॉप 10 न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। सुबह की शुरुआत एनबीसी की खबरों के साथ, जानेंगे देश विदेश की खबरें एक साथ। गुजरात के कच्छ में भूकंप का झटका, रिक्टर स्केल पर 3.7 रही तीव्रता। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च, 3 उपग्रहों को कक्षा में करेगा स्थापित। महाराष्ट्र को 2 वंदे भारत की सौगात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के 5 जिलों में हिमस्खलन का अलर्ट जारी। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 23,034। सीएम गहलोत का ऐलान, कोरोना वायरस में जिन बच्चों ने माता पिता को खोया उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी। यूपी ने बीते 5 साल में निर्यात को किया दुगुना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में बोले सीएम योगी। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता पहला टेस्ट। तुर्की की मदद के लिए मौलाना महमूद मदनी ने मोदी सरकार का जताया आभार। और उत्तराखंड 5 फीट मोटी बर्फ की चादर से ढका केदारनाथ मंदिर, कल से जारी है भारी बर्फबारी।